अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं पाइथन का, दैट इज़ मॉड्यूल्स। जैसे कि जावा में अवेलेबल थे पैकेजेस में क्या था, इनबिल्ट क्लासेस थी एंड फंक्शंस डिफाइंड थे, जिनको हम क्या करते थे, पैकेजेस को इम्पोर्ट करते थे प्रोग्राम में एंड उस पैकेज में अवेलेबल क्लासेस का या फंक्शंस का हम यूज़ करते थे डायरेक्टली। ऐसे ही पाइथन में अवेलेबल है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में क्या डिफाइंड है, डिफरेंट फंक्शंस डिफाइंड हैं जिन फंक्शंस का हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इम्पोर्टिंग दैट मॉड्यूल। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से टाइप के डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं पाइथन में जो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे वैसे अवेलेबल हैं मॉड्यूल्स, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं कुछ जिनको हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड इसके अलावा किसी मॉड्यूल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पाइचार्म में, वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया इस वीडियो के कि मॉड्यूल क्या क्या डिफाइन करता है, फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। किसी भी मॉड्यूल में अवेलेबल फंक्शंस का, क्लासेस का आप लोग यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इंपोर्टिंग दैट मॉड्यूल इन द प्रोग्राम। मॉड्यूल्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, वैसे बहुत सारे टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, कैलेंडर, पाई ऑटो जी यू आई, पाई क्यू आर कोड, स्ट्रक मॉड्यूल, यू आर एल लेब मॉड्यूल। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनका यूज़ आगे प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम्स में जनरली किया जाता है, उनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन कमिंग वीडियोज़। ठीक है, आज जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी मॉड्यूल्स का, कि मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है आपको, कैसे यूज़ करना है एंड अगर आप खुद से कोई मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आगे कमिंग वीडियोस में, हम पढ़ेंगे मैथ, रैंडम, टाइम, डेट टाइम, कैलेंडर, पाई ऑटो जी यू आई एंड पाई क्यू आर कोड मॉड्यूल। ये मॉड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैथ मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, रैंडम मॉड्यूल का यूज़ किया जाएगा रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए, टाइम एंड डेट टाइम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे हम टाइम से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, आप जैसे आपको कोई पर्टिकुलर ईयर दिया गया है उसमें आप किसी पर्टिकुलर डेट का जानना चाहते हैं तो कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दीज मॉड्यूल्स। इसके अलावा कैलेंडर मॉड्यूल होगा, पाई ऑटो जी यू आई मॉड्यूल का यूज़ करेंगे हम लोग कीबोर्ड एंड माउस को कंट्रोल करने के लिए एंड पाई क्यू आर कोड मॉड्यूल का यूज़ हम लोग करेंगे क्यू आर कोड जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे कमिंग वीडियोज़ में। नाउ अगर आपको मॉड्यूल को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, देन हाउ वी कैन यूज़ अ मॉड्यूल, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टू स्टेटमेंट्स का, दैट इज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट एंड फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मुझे मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैथ मॉड्यूल में अवेलेबल जितने भी फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, मैं सभी को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पता है आपके प्रोग्राम में आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन का ही यूज़ करने वाले हैं, यानी कि आप लेट सपोज केवल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाले हैं, तो इसलिए आपको मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ एस क्यू आर टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरे का पूरा मॉड्यूल इम्पोर्ट नहीं होगा, बस पर्टिकुलर ये जो फंक्शन है जो आप प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं वही इम्पोर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दो स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है यहाँ पर PIP। PIP क्या है, इट्स अ पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर मीन्स अगर आपको किसी भी पैकेज का यूज़ करना है अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा PIP, यानी कि पैकेज मैनेजर को सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन यूज़ एनी मॉड्यूल इन आर प्रोग्राम। तो इसको कैसे डाउनलोड किया जाए, तो जनरली क्या होता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो PIP ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में PIP इंस्टॉल्ड है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप ओपन कीजिए CMD कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर आप लिखिए PIP एंटर।
तो अगर PIP इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगी PIP नॉट इंस्टॉल्ड करके, बट क्योंकि मेरे सिस्टम में PIP इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर उसमें अवेलेबल जितनी भी कमांड्स हैं ऑप्शंस हैं वो सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये तो हो गया कि आपको चेक कैसे करना है कि PIP इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर PIP इंस्टॉल्ड नहीं है तो कैसे हमें उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम पाईचार्म IDE यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें जाइए फाइल पर, इसमें हम जाएंगे नेक्स्ट सेटिंग पर। सेटिंग में हमें जाना है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे अपीयरेंस, एडिटर, वर्जन कंट्रोल, प्रोजेक्ट मॉड्यूल, बिल्ड, एग्जीक्यूशन। आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट मॉड्यूल पर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी पूरी उन पैकेजेस की जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोडेड है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ PIP डाउनलोडेड है तो इसलिए यहाँ पर इसकी लिस्ट आ रही है। बट अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर ये ब्लैंक आएगा। आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये प्लस साइन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऊपर सर्च कीजिए PIP। तो ये देखिए ऑप्शन आ गया PIP का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है इंस्टॉल पैकेज और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में वैसे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इस तरह से आप PIP को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आती है बात कि हमें मॉड्यूल्स को अगर डाउनलोड करना है, इनमें से कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इनबिल्ट ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैथ मॉड्यूल है, रैंडम, टाइम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, कैलेंडर मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको इन मॉड्यूल्स का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में तो यू विल जस्ट हैव टू डाउनलोड PIP। ठीक है, तो जैसे मैं इस टाइम पे कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ कर रही हूँ, इस टाइम पे मैं मॉड्यूल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ उसमें ये सारी फाइल्स बन रही हैं। तो मॉड्यूल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर PIP इंस्टॉल्ड है। तो नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, बस इनडायरेक्टली मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको कुछ ऐसे मॉड्यूल्स का यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, तो उनको हमें कैसे डाउनलोड करना है, तो अगेन वी विल गो टू फाइल एंड देन टू सेटिंग, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे हम जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मुझे जैसे पाए ऑटो GUI को डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी पाए ऑटो GUI। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पैकेज पर। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, जैसे इस टाइम मैं वर्क कर रही हूँ मॉड्यूल प्रोजेक्ट पर, उसी में ये सारी फाइल्स बन रही है। तो ये जो मॉड्यूल डाउनलोड हुआ है ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड हुआ है। जब आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे। आपको अगर उस प्रोजेक्ट में भी इन मॉड्यूल्स का यूज़ करना है तो यू विल हैव टू डाउनलोड दीज मॉड्यूल्स अगेन। तो यहाँ पर देखिए आगे हमारे पास पैकेज पाई ऑटो GUI इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा पाई ऑटो GUI का पूरा लिस्ट आ गया है जो इसके साथ डाउनलोड हुआ है। ऐसे ही एक और मॉड्यूल हम लोग देखते हैं, जैसे हमें लेट सपोज डाउनलोड करना है पाई QR कोड, तो वी विल गो टू फाइल सेटिंग प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर प्लस एंड देन वी विल सर्च फॉर पाई QR कोड, क्लिक ऑन इट, इंस्टॉल पैकेज। तो ये आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप इस प्रोजेक्ट में इन मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अच्छा यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। इस टाइम देखिए हम लोग वर्क कर रहे थे ये मॉड्यूल प्रोजेक्ट पर, ठीक है, मॉड्यूल प्रोजेक्ट का नाम था। एक और मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया न्यू एंड क्रिएट। ओके, सो देखिए ये विंडो आ गई है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं अब इसके लिए देखिए यहाँ पर चेक करती हूँ, सेटिंग में मैं गई तो अब मैं गई हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट न्यू के लिए, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब पैकेजेस इंस्टॉल्ड पैकेजेस में सिर्फ PIP इंस्टॉल्ड आ रहा है क्योंकि वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बट जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए थे मॉड्यूल प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। इट मीन्स अगर आपको उन्हीं मॉड्यूल्स का यूज़ फिर से करना है न्यू प्रोजेक्ट में तो यू विल हैव टू डाउनलोड ऑल दोज मॉड्यूल्स अगेन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें खुद का कोई मॉड्यूल क्रिएट करना है तो कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जावा में पैकेजेस क्रिएट किए थे अपने लिए, हमने क्या किया था, कोई पैकेज क्रिएट किया था और फिर उस पैकेज का यूज़ किया था दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अब यहाँ पर क्रिएट करते हैं कोई मॉड्यूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए
हमने क्या किया, एक फ़ाइल बनाई। सबसे पहले न्यू पे जाते हैं, एक पाइथन फाइल मैंने क्रिएट की। एक यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस बनाती हूँ, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड के लिए ए कॉमा बी। तो अगर इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो क्या हो, मेरे पास ए प्लस बी रिटर्न हो। ऐसे ही एक और मैंने फंक्शन बनाया मल्टीप्लिकेशन के लिए ए कॉमा बी। तो अगर ये फंक्शन कॉल हो तो रिटर्न क्या होना चाहिए, मेरे पास रिटर्न होना चाहिए ए मल्टीप्लिकेशन बी। देखिए ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं जावा में भी कि मॉड्यूल्स का या पैकेजेस का यूज़ क्यों किया जाता है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर आपको देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इस कोड को लिख दिया, मैंने एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर फंक्शन बनाया है। अब मैं इसी प्रोजेक्ट में कोई दूसरी फाइल पे काम कर रही हूँ और मुझे वहाँ पर भी सेम फंक्शन अप्लाई करना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन हम क्या कर सकते हैं, इस ए डॉट पाई को इम्पोर्ट कर सकते हैं उस प्रोग्राम में, उस फाइल में, एंड यूज़ कर सकते हैं इन फंक्शंस का डायरेक्टली। कैसे, देखिए जैसे एक फाइल मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हुई है, यहाँ पर मैंने ऐड और मल्टीप्लिकेशन के लिए दो फंक्शंस बना दिए हैं। अभी मैं एक और फाइल क्रिएट करती हूँ। अभी मुझे लेट सपोज यहाँ पर ए की कुछ वैल्यू गिवन है 12 एंड बी की वैल्यू कुछ गिवन है 23। अभी मैं चाहती हूँ इनका एडिशन फाइंड आउट करना। तो एक ऑप्शन तो क्या है, मैं एडिशन के लिए फिर से फंक्शन लिखूँ और फिर इनका एडिशन फाइंड आउट करूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मेरे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है इनका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, उस फाइल को इंपोर्ट कर सकती हूँ यहाँ पर। तो मुझे पता है कि जो वाले फंक्शंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के जो फंक्शन लिखे गए हैं वो किस फाइल में लिखे गए हैं, ए में। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे फाइल ए को यहाँ पर, ठीक है, इम्पोर्ट ए। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो फंक्शंस अवेलेबल थे उनका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा सी इज़ इक्वल्स टू ए डॉट एड ए कॉमा बी एंड प्रिंट कर देते हैं वैल्यू ऑफ सी। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए हमारे पास आंसर कितना आ गया, 35। इट मीन्स यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हम कैसे एक मॉड्यूल बना सकते हैं खुद से, ठीक है। यहाँ पर जस्ट क्या हुआ, हमने एक फाइल बनाई थी ए डॉट पाई जिसमें कुछ फंक्शंस को डिफाइन किया गया था। अब क्योंकि बी डॉट पाई में भी मुझे इन्हीं फंक्शन सेम फंक्शंस का यूज़ करना था, तो मैंने उस कोड को फिर से लिखने के बजाय ए डॉट पाई में अवेलेबल फंक्शंस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया एंड उन फंक्शंस का यूज़ कर लिया डायरेक्टली। तो मॉड्यूल्स का एंड पैकेजेस का यही काम होता है, क्या काम होता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है। यहाँ पर ए डॉट पाई में अवेलेबल जो कोड था उसको हमने बी डॉट पाई में रीयूज़ कर लिया। ये हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, पीआईपी क्या होता है, पैकेज मैनेजर, जिसका यूज़ क्या होता है, अगर आपको किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पहले पीआईपी को हमें इंस्टॉल करना होता है सिस्टम में एंड देन ओनली वी कैन यूज़ एनी मॉड्यूल इन आर प्रोग्राम। इसके अलावा हमने सीखा कि कैसे किसी मॉड्यूल को डाउनलोड करना है। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी, अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट करना है। एंड चौथा कि मॉड्यूल्स का यूज़ कैसे करना है किसी प्रोग्राम में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ मॉड्यूल एंड रैंडम मॉड्यूल इन डिटेल। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।